एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, गणपति बप्पा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनों के साथ रहें। यही मैं अब भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ। हमारे घर पर आ चुके हैं गणपति बप्पा जी, हमारे बप्पा जी आ चुके हैं हमारे घर, तो आज उनका हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। और आज है तारीख 19 सितंबर, ठीक है, और डे है ट्यूसडे। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का ये उत्सव बहुत अच्छे से जाए। हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी देखने वालों को। तो बस अभी यही है और अभी हम लोग को बैठा। अच्छा, मैं इस तरह से कुछ रेडी हुई हूँ। ये साड़ी क्या है ना, ये साड़ी, इस साड़ी का ये ब्लाउज़ नहीं है, ये दूसरी साड़ी का है। इसका ब्लाउज़ अभी तक इसी साड़ी पर ही अटैच है, ठीक है, और मैंने अभी तक सिलवाया नहीं क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ये साड़ी पहनने की। आज मुझे ऐसा लगा कि चलो ये बिल्कुल चोखी है, मैंने इसको पहना ही नहीं अभी तक का, और मतलब फॉल पीको भी नहीं हुआ इसमें, आप ये समझ लो। वैसे पीको की ज़रूरत तो नहीं है, ये देखिए, लेकिन फॉल भी नहीं लगी, लेकिन मैंने इसको पहन लिया क्योंकि मैंने अभी तक पहनी नहीं थी, बिल्कुल न्यू है ये, तो इसकी वजह से पहना मैंने, ठीक है। और कुछ येलो येलो पहनने का लग रहा था, मेरा मन हो रहा था येलो पहनूं, तो येलो साड़ी मेरे पास बहुत है लेकिन वो पहले भी मैं पहन चुकी हूँ, ये नहीं पहनी थी इसलिए मैंने ये पहन ली। और मैं बिल्कुल सिंपल सी रेडी हुई हूँ, इयर रिंग्स अभी पहनी नहीं है, अभी पहन लूँगी मौका मिलेगा तो, क्योंकि सुबह से इतनी तैयारियाँ चल रही हैं। और वहाँ पर हमारे गणपति बप्पा जी विराजमान है, भी देखते हैं उनको किस दिशा में रखना है। वैसे दिशा का तो खैर इतना मालूम है कहाँ रखना है, तो बस अभी उनको सजाएंगे, उनको जैसा है जो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप पूरे ब्लॉग में बने रहना। बच्चों को मैं सोच रही हूँ फटाफट हल्का फुल्का कुछ बना के दे दूँ ताकि इनको भूख ना लगे, और जैसे हम लोग को जैसे ज़्यादा समय भी हो जाए पूजा पाठ में तो मतलब वो परेशान ना हो बच्चे भूखे पेट। तो चलिए बच्चों को मैं दे देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग जुड़े रहना पूरे ब्लॉग में, बिल्कुल ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है आपने, ठीक है। हम लोग कैसे डेकोरेशन करेंगे वो भी शेयर करेंगे, कैसे स्थापित करेंगे भगवान जी को वो भी शेयर करेंगे, कैसे पूजा पाठ करेंगे वो भी शेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखते रहिएगा। और अभी आप लोग को मेरे चैनल पे बस आप लोग को गणपति बप्पा डेली देखने को मिलेंगे और डेली उनका आशीर्वाद आप लोग को मिलेगा। सो बने रहिएगा, और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या जो पहली बार आया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर ले और लाइक छाप देना। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ गणपति बप्पा के लिए प्लीज़ लाइक छापना और कमेंट करके बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो अभी मैं बस नाश्ता दे के बच्चों को मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। चलिए, और मैं कैसी लग रही हूँ, सिंपल सी तैयार हुई हूँ, तैयारी नहीं हुई हूँ बस ऐसे ही पीछे एक बन कर रखा है, रफली बन कर रखा है, मिलती हूँ थोड़ी देर से। सो यहाँ पर अभी हम लोग डेकोरेशन करने की सोच रहे हैं। प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पे विंडो है हमारी, ठीक है, जिसके पीछे वेंटिलेशन है, तो ये विंडो है, इस विंडो को हमको कवर करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं हम क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बप्पा जी का विराजमान, तो अभी हमने स्थापित तो नहीं किया है, अभी ऐसे मतलब कर ही रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारा डेकोरेशन का जो भी है पूजा पाठ का सारा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक साड़ी है और बिल्कुल प्योर कॉटन है, ठीक है, ये प्योर कॉटन है, ठीक है। तो ये साड़ी है और ये साड़ी नेपाल की साड़ी है, ठीक है, ये मेरी मम्मा ने मुझे दिया था, नेपाली साड़ी है और काफ़ी अच्छी है। और जैसे कि कुछ लोग को अगर पता हो, यहाँ पति देव जी चढ़े हुए, पकड़ू क्या आराम से भाई, ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, ज़्यादा ऊपर हो गया। अच्छा, कुंडा तो फिर वहीं पे, हाँ अच्छा, लटकाने के लिए वहीं पे है। चलो देखो कितनी ऊपर चढ़ेंगे इस तरह से, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बप्पा के लिए, तो इस तरह से बाबा इतना क्यों कर रहे हैं। अच्छा, डबल कर देंगे फिर, ओके। तो कुछ ना कुछ बप्पा ने अपने आप अपना जुगाड़ मतलब यहाँ पे करवा लिया। ये लीजिए, तो ये कॉटन की साड़ी है, प्योर कॉटन है, नेपाली साड़ी है, आराम से। सो ये अभी वहाँ करेंगे और कुछ देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि विंडो है ना, उसके लिए फिर उसको कवर तो करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ जुगाड़ बैठा रहे हैं वहाँ पर इस तरह से। थैंक गॉड की विंडो है, अगर प्लेन दीवार होती तो फिर कैसे होता।
चलो अभी ये कर लेते फिर दिखाते हैं, इस वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है चलिए, इसको ये लेकर आए थे, ये 20 मीटर की एक झड़ी जैसी है, ठीक है 20 मीटर से ना। तो अब इसको ये तो बड़ी मुश्किल से यहाँ सेट किया हम लोग, कुछ इस तरह कर पाए क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है। यहाँ पर ये विंडो है और यहाँ पे ऐसा कोई गुटका नहीं है, खुटका कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने एक ये फेक जो होती ना, फेक होती आर्टिफिशियल, ये एक लगाई है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नेट लगा दिया है और इस तरह से कुछ जो कर सकते थे वो हमने कर लिया। बाकी अब इसको कैसे कैसे बैठाए समझ में, अगर एक प्लेन वॉल होती ना तो कोई दिक्कत ना होती। और बाकी दिशा यही है, पूरब दिशा है तो पूरब दिशा की तरफ रखना है। सो इसकी वजह से कुछ हमको यहीं पर ही करना पड़ेगा। और ये भी अच्छी बात है कि मंदिर के सामने रहेंगे, सो इसकी वजह से। तो देखते हैं इसको अभी कहाँ लगाते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, ऐसे तो नहीं, देखते हैं। बाकी ये कैसा लग रहा है, बहुत ही आई नो सिंपल है बट कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है ना। बाकी आपको पूरा दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा। अच्छा जी चले, अभी यहाँ पर हम लोग डेकोरेशन करने में लग गए हैं। और यहाँ पर मैंने ना वीडियो बनाने को केशव को दिया था मोबाइल, और मैं उसको थोड़ा गुस्सा भी करने लगी क्योंकि वो इतना ज़्यादा शेक कर रहे थे मोबाइल। खैर बच्चे हैं, उनको भी तरीका भी नहीं पता है, तो जैसे भी है देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ही बप्पा के लिए कर रहे हैं, और जितना हो पा रहा है, जैसा हो पा रहा है वैसा कर रहे हैं, और अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बप्पा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि बस किसी तरह से वो खुश हो जाए। तो थोड़ी बोड़ी डेकोरेशन कर रहे हैं दोनों मिलके। हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे के लिए कर सकते ना, वैसा दुनिया में कोई नहीं कर सकता सच में। तो चलिए भाई, यहाँ पर बड़ी ही कोशिशों के बाद थोड़ा मोड़ा हम लोग मुकम्मल हो पाए हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर मैं कलश वगैरह लगा रही हूँ, अब यहाँ पे जो शूट कर रहे हैं वो मेरे पति देव जी कर रहे हैं, ठीक है। केशव ने तो बहुत शेक किया, आप लोगों को पता नहीं समझ में आया है कि नहीं आया। सो यहाँ पर अभी मैं बैठी थी, जैसे मैंने बताया कलश मैं लगाने बैठी हूँ, और बाकी मैं पूरी टेबल अभी डेकोरेट करूँगी आप लोग के सामने ही, वो भी आप लोग ज़रूर देखना। और पता है ये सारी चीज़ें ना, अगर आप पूरे परिवार के साथ होते हो ना तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। वहीं पर जब आपको अकेले रह के करना पड़ता है तो सारी चीज़ें हो तो देखो जाती हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं। लेकिन परिवार के साथ रहो तो बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर यही चीज़ें अगर मैं कानपुर में करूँ ना तो बहुत अच्छे से बहुत ईजी हो जाए, सच में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पर परिवार है मेरा तो वहाँ पे बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम दोनों ही रहते हैं, और हम लोग ये चीज़ें ना हम लोगों को फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा खलती हैं। ऐसा लगता है कि हाँ परिवार होता तो ज़्यादा बेस्ट हो पाता, कुछ ऐसा हम दोनों को ही लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे लगता है, इनको भी ऐसा ही लगता है। और मतलब परिवार की बात ही अलग होती है, कहने का मतलब ये है। लेकिन कुछ लोगों को ना अकेले रहने में खुशी मिलती है कि भाई हमको तो हम हमारे बच्चे हमारे हस्बैंड बस ऐसे ही, लेकिन हम लोगों की तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। खैर अभी यहाँ पे कैसे भी बस डेकोरेशन कर रहे हैं, और बस कैसे भी करके हम लोगों ने डेकोरेशन अपनी पूरी कर ली थी, वो आप लोग ज़रूर देखना फाइनल में कैसी की है। और अकेले हैं लेकिन कोई बात नहीं, सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं, सब अच्छे से हम लोग पूरा करते हैं, जो भी हमारे को करना होता है वो हम ज़रूर करते हैं। तो बस अपने मन से करते हैं और किसी का देखा दिखाया नहीं करते हैं, जो भी करते हैं अपने मन से करते हैं। तो बस आप लोग देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं। और मेरी बहुत 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 दिल की इच्छा पूरी हुई है, मतलब मैं काफ़ी टाइम से लाना चाहती थी पप्पा को अपने घर पर, लेकिन देर करी पप्पा ने आने में, बेशक देर करी लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आए ही नहीं, इस बार वो आ गए हैं। इस बात पे एक सॉन्ग की लिरिक्स याद आती है, देर करी आने में पर शुक्र है आए तो। काहे के लिए, ये मसाले तो नहीं लगे ना, खाना है ये, खाने का है ये, भगवान जी का, हमारा भक्तों का, ले आए धोके, तो बच्चे भी काम आ जाते हैं, देखो धोके ले आया। तो ये दुर्वा है जो हमारे पापा को चढ़ेगी, यहाँ पे रखेंगे चंदन,
ये पीला चंदन और ये रोली, ये पंचमेवा अभी चढ़ाएंगे सब अच्छे से, और ये दुर्वा मैंने केशव से धोने के लिए बोला, वो धोके लेके आए। बच्चों को भी थोड़ा पूजा के काम में ना सम्मिलित करना चाहिए, जिससे बच्चे भी इन चीज़ों को समझे कि भाई जो वो देखेंगे वही सीखेंगे, इस चीज़ को वो आगे बढ़ाएंगे। तो शुरुआत हमको करनी है, साथ उनको सम्मिलित भी करना है। तो ये मैंने उससे धुलवाया, मैंने कहा गणपति बप्पा जी की दुर्वा धोके लेके आओ, वो धोके लेके आया। तो इस तरह बच्चों को पूजा में शामिल करना चाहिए। यहाँ पे हमने अपने बप्पा को चढ़ा दी, ठीक है। अब ये पंचमेवा वगैरह सबको हम चढ़ाएंगे। ये तो कपूर वगैरह है, ये घी है, और ये गेहूं है रोस्टेड। गेहूं नहीं है, गेहूं है रोस्टेड। देखिए आप बताइए क्या है ये। ये पति ये गुड़ का कुछ है, गुड़ का चढ़ेगा, ये चढ़ता है। ये चूरा तो नहीं, नहीं पर ये गेहूं लगा, गेहूं में कुछ गुड़ होगा शायद, ये चढ़ेगा। लेकिन चढ़ेगा ये चढ़ेगा, और एक और होगा ये मुझे नहीं पता। ये पतिदेव जी बता रहे, ये मेरे पतिदेव जी के खाने का रोस्टेड आइटम है। ये भक्तों को चढ़ेगा, ये भक्तों को चढ़ेगा, ये इनको चढ़ेगा, ये भक्तों को चढ़ेगा, ये हम जैसे भक्तों को चढ़ेगा ये। और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी होता है, मूंग दाल का है ये। पूजा के बाद हम जैसे भक्तों को प्रसाद के रूप में मिलेगा। ये चांदी का, चांदी का वर्क है, मतलब चांदी का वर्क भी लगाते हैं। चांदी का वर्क लगाते हैं गणपति जी को, गंगा स्नान करा करके, पूजा पाठ करके, हल्दी वल्दी जो भी सब कुछ करके, उसके बाद चांदी का वर्क लगाया जाता है। बोला था लगाएंगे, अब मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन चांदी का वर्क लगता है ऐसा करके बोला था उसने। अच्छा चलो देखते हैं, ये चांदी का वर्क है, देखते हैं कैसे क्या करना है, बता रहे पति देव जी, ठीक है। ये चांदी का वर्क है, बाकी आप कह रहे एक और चीज है। अच्छा ये होगा, हाँ ये भी चढ़ेगा ना, हाँ। ये भी चढ़ेगा। ये दही है, दूध है, ये तो वो बनाने के लिए पंचामृत, पंचामृत बनाएंगे ना अभी, यार बहुत काम है ये। अच्छा चला सकता हूँ क्या? ये लौंग है, ये लौंग है, और ये दो सुपारी है, ठीक है। तो ये इसको, ये जो है इनको हम रिद्धि और सिद्धि के रूप में गणपति बप्पा के आसपास विराजमान करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसा मुझे पता है मैं वैसे ही कर रही हूँ, और हो सकता है कुछ गलत हो जाए, तो वो तो बप्पा है ना, तो हमारा फर्स्ट टाइम, हमारा फर्स्ट टाइम है, हमें माफ़ करें, ठीक है। तो ये रिद्धि सिद्धि के रूप में हमने ये सुपारी के उसको हमने रिद्धि सिद्धि का रूप दिया है, जो दोनों तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ हमने रख दी है, बाकी सारा आइटम है, इन सबको मैं करती हूँ। ये भी चढ़ेगा बता रहे हैं पतिदेव जी, और आप बता रहे हैं एक आइटम और है, तो दूसरा तो नहीं दिख रहा मुझे। आप कह रहे इसके जैसा एक और है आइटम, इसके जैसा ये है। चलो और ये बाकी यहाँ पे ये शहद है, शहद भी चढ़ेगी, पंचमृत के काम आएगा ना शहद। शहद तो वैसे तो रखी हुई थी अपने पास, चलो ठीक है ले ली। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। सो अभी हम अपने इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। यही ब्लॉग का मतलब आपको दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा, ये कंटिन्यू होगा, इसके बाद मैं तुरंत शुरू करने वाली हूँ दूसरा ब्लॉग। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, और गणपति चतुर्थी के ब्लॉग आपको मिलने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे। जो मेरी तरफ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वो मेरे से कुछ टिप्स भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है बप्पा के लिए लाइक छापें और शेयर करना, ठीक है, किसी के काम भी आ सकता है। डेकोरेशन बाकी आपको मैंने थोड़ी मोड़ी दिखा दीजिए, थोड़ी मोड़ी जो भी हो पाया हमसे हमने वो किया, बहुत कम समय में आज ही बैठे सब चीज़ लेके। अब बाकी अभी पूजा जो है वो मैं आपके साथ कल शेयर करने वाली हूँ, हम कैसे पूजा करेंगे, बाकी अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगाने वाले हैं बप्पा के लिए, वो सब आपको कल देखने को मिलेगा। बप्पा की मुंह दिखाई भी कल होगी, बप्पा की हमारे मुंह दिखाई भी आपको कल ही होगी। और भाई टीका वीका लगा देंगे, कहीं नजर ना लगे हमारे बप्पा को, लगाना हाँ, ठीक है। अगले ब्लॉग में बाय।